मैं राजेश कुमार अपर आयुक्त प्रशासन आगरा मंडल हूँ, और लास्ट ईयर जिस तरह से आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने बहुत शानदार मैराथन ऑर्गेनाइज कराई थी, इस बार उसका बेटर वर्जन कराएंगे, उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट अधिक संख्या में भाग लेंगे, और ये ताज महोत्सव के आसपास ही होगी, इसलिए ताज मैराथन के नाम से इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये आगरा वासियों के लिए बहुत ही अच्छा, एक अच्छी उपलब्धि है, और ये श्रृंखला लगातार जारी रहे, मैं आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन से यही अनुरोध करूंगा, और अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट इसमें भाग लें, और एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण इसको ग्रीन मैराथन भी इन लोगों ने सजेस्ट किया है। इससे देखिए, आगरा में पहली बार मैराथन का आयोजन किया गया, उसमें लोगों की सहभागिता और उत्साह देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि ये जो इवेंट है ये हर साल हो, वार्षिक रूप का हो। तो सेकेंड एडिशन ऑफ आगरा ताज आप मैराथन हम आज से लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 9 फरवरी 2025 को होने वाला है। इस बार का आयोजन में सहभागिता बढ़ेगी, और इस बार की जो थीम है हमारी ग्रीन थीम है, जो लोग पार्टिसिपेंट करेंगे हम उनको हरियाली बढ़ाने के लिए, पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन उसमें उनकी हेल्प करेगा। पौधा लगाना ही सब कुछ नहीं है, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन लेगा। दूसरी चीज़ है, ये जो रेस शुरू हो रही है 9 तारीख को हो रही है, ये जो एक हफ्ते पहले आगरा ताज महोत्सव जो हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है उसका इनॉग्रल रन है, एक तरीके से आगरा जो ताज महोत्सव है उसकी शुरुआत हमारी मैराथन से होगी, और ये आगरा का जो वैभवशाली संस्कृति और जो टूरिज्म है उसको तो प्रोत्साहित करेगी ही करेगी, और साथ में जो बाहर से लोग आते हैं ना, तो टूरिज्म के साथ साथ यहाँ का लोकल बिजनेस भी प्रमोट होता है। आगरा की मानचित्र केवल ताजमहल के नाम से ना जाना जाए, आगरा बहुत सारी और चीज़ों में पेठा मशहूर है, ऐसे ही आगरा की ये मैराथन भी भविष्य में एक माइलस्टोन होगी, देश विदेश से लोग इसमें दौड़ने आएंगे, क्योंकि इतना अच्छा शहर और इतने ज़्यादा सांस्कृतिक विरासत अपने आप में समेटे हुए है, तो यहाँ एक मैराथन होना बहुत गौरव की बात है। मैं डॉक्टर संजय गुप्ता, आगरा ताज हाफ मैराथन का ये हमारा सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन के सफल आयोजन के बाद हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ, और उसके अभिभूत होकर हम लोग अपना ये सेकंड एडिशन 9 फरवरी को आगरा में लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी आज के दिन से हमारी शुरुआत है, जिसमें हम अपना इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी वेबसाइट की भी नई तरीके से, जो नई वेबसाइट बनी है, मीडिया टीम बनी है, सारे जो हमारे लोग हैं, हमारी टीम के लोग हैं, तो आज हमारा इनॉग्रेशन डे है। आज से हम अपना आगरा ताज हाफ मैराथन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आज के दिन से ही हमारे रजिस्ट्रेशन भी होंगे, जिसमें लोग अपने दौड़ के लिए रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। 2024 का जो फर्स्ट एडिशन था उससे अभिभूत होकर हम अपना जो सेकंड एडिशन लॉन्च कर रहे हैं, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा धावकों की इसमें जो पार्टिसिपेशन आएगा, ज़्यादा बाहर से भी, हमारे आगरा के बाहर से भी, दूसरे राज्यों से भी काफ़ी सारे लोगों के आने की उम्मीद है। बहुत सारे लोगों की प्रतीक्षा में हैं कि जो हम अपने आगरा ताज हाफ मैराथन का सेकेंड एडिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, और आगरा के लिए गौरव की बात है, और हम लोगों के लिए भी आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन के मेंबर्स और आगरा ताज हाफ मैराथन की टीम की तरफ से भी ये अच्छी बात है, जिसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें अच्छे तरीके से सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर रचना अग्रवाल, पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट ईयर 3 मार्च को आगरा में आगरा ताज हाफ मैराथन का प्रथम बार आयोजन किया गया, उसमें महिलाओं की, लड़कियों की, मुझे कहना चाहिए 50% भागीदारी थी। उसे देखकर हमारा जो आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन टीम का उत्साह बहुत वर्धन हुआ है, और इस बार 9 फरवरी को ये होने जा रही है, सेकंड एडिशन है इसका, तो मैं अपेक्षा करूंगी कि आगरा की जनता और आगरा की महिलाएं भी इसके लिए बहुत सचेत रहेंगी, और कई लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो उन सबसे आह्वान करना चाहूँगी कि इसमें मैक्सिमम नंबर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एज ए डॉक्टर, हम वैसे भी फीमेल सभी, जैसे सब लोग जानते हैं कि इस समय मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में हमारे देश में है, तो उसके लिए प्रथम प्रयास घर के दरवाजे से ही शुरू होता है, कि हम बिना ज़्यादा
चीज़ों के एक रनिंग की जो अभ्यास है अगर उसे डालें तो हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।